वो बयान एक सस्पेक्ट बन जाता है। और इतना ही मैं कहूंगा, मनीष तिवारी जी, आप उस समय जब आपकी सरकार ने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ है नहीं, इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ नहीं है आर्मी की तरफ से, तो आपने उस समय सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपका, आप जो बोल रहे हैं वो सच है, इसलिए इस पे बड़े प्रश्न उठते हैं, उसका मनीष तिवारी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। विधान के खिलाफ था और जो कि हमारे लोकतंत्र के खिलाफ था, और ऐसे व्यक्ति को एक मिनिस्टर बनाना, इससे बड़ी गलती हो ही नहीं सकती है। तो शुक्र है कि विषय दोबारा उभर कर आया है, और कम से कम अब इस संदर्भ में वीके सिंह को निकाला जाए तो तब बेहतर होगा। ये सेना में जिस बड़े पोस्ट पर थे, वो कितने लोगों को, कितने अधिकारियों को, कितने जवानों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा उस सोच से। इनका माइंडसेट जब खुला है तो ये तो सोच करके भी डर लगता है कि भाई सेना में इतने ऊंचे ओहदे पर ये क्या क्या किए। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई, वीके सिंह जनरल साहब ने उनको बोला है, अब मेरी किताब जाके पढ़िए, उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं था। तो कंट्रोवर्सी हो गई, जनरल वीके सिंह और दोनों बीजेपी के हैं, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये यूनिट्स जो दिल्ली में आए थे 2012, क्यों आए, कैसे आए, किसने बुलाया, और रूटीन एक्सरसाइज थी जो आर्मी बोलती है।